हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज इतना दुख है पर अपने आप को पे थोड़ा विश्वास भी आया है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था जो आप लोगों ने बोल रखा था पिछले 6 महीने से। मेरी एक ही बात गलत नहीं निकली, उसी बारे में वीडियो बनाया है। इस वीडियो में ये जो जितना दिख रहा है इस पर अगेन सच्चाई बताने वाला हूँ। पिछली बार जब बताई थी तो आप लोगों ने माना नहीं था क्योंकि सब्सक्राइबर कम थे। आप तो सब्सक्राइबर देख के सच्चाई का अंदाज़ा लगाते हैं, बात तो सुनते हैं नहीं। सच्चाई देखनी है तो सब्सक्राइबर देखो कितने हैं। इस चैनल का सबसे पहला वीडियो यही आया था कि लेखपाल का कट ऑफ कितना जाएगा। 4 सब्सक्राइबर थे पर मुझे पता था कि मेरा लॉजिक सही है, इसलिए मैंने वो बताया। आप में से किसी ने नहीं माना, गाली दे के चले गए कमेंट बॉक्स में, ना सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया। अब मेरी बात 8 महीने बाद सही निकल रही है, आपके जीवन के 8 महीने बर्बाद हो गए हैं। आपसे ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि 8 महीने बर्बाद होने की कीमत मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे 9 महीने तक टीवी की बीमारी से जूझना पड़ा था जिसके कारण मेरी पढ़ाई बर्बाद हो गई थी। अब आप लोग भी इसी चीज़ से जूझ रहे थे और आगे भी जूझेंगे। इस वीडियो में ये सब डिस्कस करूँगा। सबसे बड़ी गलती आयोग की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी गलती आयोग की है, 90% 10% 10%। तुम लोग सिर्फ इस 80 10 और 10 90, ज़्यादा जोश में बोल गया मैं, 5-5 बोलना था वैसे, लेकिन मैं जानता हूँ कि 5-5 मानोगे नहीं। इन दोनों पे तो तुम सुनोगे नहीं क्योंकि मैं कौन हूँ, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है। महान सब्सक्राइबर लोग जो हैं वो 1-1 लाख सब्सक्राइबर वाले वो जो बोल रहे हैं आप वही मानेंगे। लॉजिक तो सुनना नहीं, दिमाग तो है नहीं आपके पास। प्लीज़ इस वीडियो को समझना ध्यान से, एक एक बात सुनना, जो लॉजिक दूँ उसे लिख लेना ताकि दिमाग में घुस सके, उस पर चर्चा करना, वरना आगे भी जीवन ऐसे ख़राब होता रहेगा। प्लीज़ समझो, जो ऑफलाइन मुझसे बोल पढ़े थे ना लेखपाली में, उनको दिक्कत नहीं आ रही है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनना ये सब चीज़। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, आयोग की नौटंकी क्या है, अध्यापकों को क्या करना चाहिए था और तुम बच्चों को क्या करना चाहिए था, डीवी स्किप करने की सॉल्यूशन जो बेवकूफ दे रहे हैं उनके बारे में क्या बोलना है। कई ऐसे स्टूडेंट मिले जिनके नंबर 80 उन्होंने जोड़े हुए थे, 82 जोड़े हुए थे पर नॉट क्वालिफाइड लिखा रहा है, उसके पीछे का रहस्य क्या है वो भी पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। और ये जो लाइन लिखी है ना, ये घमंड वाली बात नहीं है, दुख है इस बात का क्योंकि मैं 8 महीने से चिल्ला रहा था। मैंने लेखपाली पे सिर्फ 2 वीडियो बनाए हैं, कई यूट्यूबर्स की तरह हर हफ्ते हर महीने वीडियो बना के तुम लोगों को पागल बनाने का काम नहीं किया मैंने। मैं जानता था कि ये समय की बर्बादी होगी, बच्चों का समय बर्बाद नहीं करना है, लेकिन कई टीचर हैं भाई समय बर्बादी के, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे इस नाम पे समय बर्बाद कर रहे हैं, अजीब बेवकूफ़ हैं। ये सब चर्चा होगी, आज थोड़ा दिमाग मेरा ख़राब है तो कृपा करके वीडियो पूरा देखना और देखने के बाद कमेंट करना, नहीं इतना ही देख के गाली देने लगो। तुम मुझे गाली दोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा ही नुकसान होना है। ध्यान से सुनना एक एक चीज़। 8085 सीटें हैं, 57,555 कुछ बुलाए गए हैं, अनरिजर्व की कट ऑफ है 75.75, ओबीसी 75.75, एससी है 73.5 शायद, और एसटी है 66.5, ईडब्ल्यूएस भी 75.5 है। आयोग के लॉजिक के अनुसार 27,000 लोग इतने नंबरों से ऊपर हैं। कॉमन सेंस लगाना, अगर हो थोड़ा बुद्धि अपने जीवन में कभी हो, जो मैं चिल्ला रहा था, तुम लोग मेरी बात नहीं माने क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं थे, ना सपोर्ट किए सब्सक्राइब करके, अपना ही जीवन खराब किए ना गुरु का अपमान करके। अब सुनो ध्यान से और कृपा करके इस बार सपोर्ट करना, गलत नहीं बता रहे हैं। 27,000 लोगों के नंबर अगर 75 से ऊपर हैं तो 8,000 लोगों के नंबर 80 से ऊपर होंगे या नहीं होंगे, 81-82 से ऊपर होंगे या नहीं होंगे, थोड़ा दिमाग है इस मामले में। तो ओवरऑल फाइनल कट ऑफ अगर बिना धांधली के बिना पैसा दिए भी हो तब भी 80 मिनिमम जाएगा, जो पहले ही वीडियो में बोला था। तब तो तुम लोग कह रहे थे ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, और उन टीचर्स की सुन लिए जो तुम्हें केवल बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि तुम उनके चैनल से जुड़ो, उनका कोर्स खरीदो, उनके साथ जुड़े रहो जिससे उन्हें फायदा हो, तुमने कहा ये व्यक्ति 70+ बोल रहा है, मेरा काम इससे चलेगा।
तुमने ये नहीं सोचा कि क्या गलत है क्या सही। मैंने तब भी लॉजिक यही बोला था कि सीटें बहुत कम हैं, ज्यादा नहीं है। अनरिजर्व्ड के लड़कों की सीट तो कितनी है, 2600 सीटें हैं लड़कों की केवल, उसमें स्वतंत्रता सेनानी PWD भी घुसेंगे। कैसे मान लिया तुम लोगों ने 75 से? 8 महीने से चिल्ला रहा हूं ना कि जिसके 80 से ऊपर हैं थोड़ा चांस उसी का है, बाकी सब लोग अगले टेस्ट की तैयारी करो, बंदरों का आ रहा है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है क्षितिज पांडे, 30 मिनट GS चलाता है, वो भी यही बोला अपने पे, और इसीलिए बोला बंदरोगा के लिए पढ़ाई करो, कोई पढ़ने नहीं आया ज्यादा लोग उससे, 50-60 आए केवल। कृपा करके प्लीज अपने जीवन में एक दो टीचर ऐसे रखो जो सच बोलते हो, मैं उनमें से ही एक हूं, मेरी बात सुना करो। तुमको क्या लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है तुम लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है? जिस टीचर को यही अच्छा लगने लगा कि बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, वो टीचर किस बात का? बड़े बड़े हैं टीचर, 1-1 लाख सब्सक्राइबर, 2-2 लाख सब्सक्राइबर, कटाओ 70+ जाएगी, कटाओ 75+ जाएगी। उस चक्कर में लाखों बच्चा, हजारों बच्चा उनसे पढ़ाई नहीं किया अगले एग्जामों की, और अब वो लटक गया है। सब गधे हैं टीचर लोग, तुम उनकी बातों में आ गए इसलिए तुम गधे हो। इन दोनों के लिए इसीलिए लिखा है मैंने। आयोग की नौटंकी जानते हो क्या है? 8,000 हैं अगर सीटें तो 27,000 क्यों बुलाए हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन सा कैसा तुम एग्जाम ले लोगे जिससे कि बाकी लोगों को तुम निकाल पाओ? 8,000 अगर सीटें हैं तो 9,000 बुलाओ पहले, उनमें से 8,085 का सिलेक्शन करो, ना हो पाए कई 1,000 लोगों का DV खराब हो जाए मान लो, तो फिर उसके अगले 1,000 को, अगले 2,000 को बुलाओ। इस तरह से काम होना चाहिए। पहली बार में ही 27,000 क्यों बुलाए हैं आयोग ने? सिर्फ एक कारण है, काफ़ी सीटों पे पैसे लिए जा चुके हैं। जिसके पैसे लिए जा चुके हैं उसको DV में बोल देगा तुम्हारा DV सही है, जिसने पैसा नहीं दिया है उसके DV में कोई नीम ने कुछ निकाल कर उसको भगा दिया जाएगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय कोर्ट केस के। पहली बेवकूफ़ी, 27,000 बुलाने के पीछे का कोई लॉजिक नहीं है भाई। 2 सीटें हैं, 10 लोग बुलाए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सबके डॉक्यूमेंट सही निकले तब क्या करोगे? तब तुम ये करोगे समान नंबर होने पर? क्या समान, दो लोगों के समान नंबर है तो उनको नौकरी कैसे मिलनी है? उसके लिए नियमावली है, लेखपाल के नोटिफिकेशन में लिखी है, नियमावली 2015, नियमावली 2017, नियमावली 2020। रात भर में तीनों नियमावली डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ी मैंने, सीधा लिखा है जिसके पास 2 वर्ष का सेना का अनुभव सबसे पहली वरीयता उसको, उसके बाद NCC का बीप सर्टिफिकेट जिसके पास है सबसे पहली वरी उसके बाद उसको वरीयता है, उसके बाद जो उम्र में बड़ा है उसको वरीयता है, और उसके बाद जो अल्फाबेटिक ऑर्डर से नाम में पहले आएगा उसको वरीयता है। समझ रहे हो? नंबर बराबर होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सही होगा, तब ये होगा। लेकिन 27,000 का लॉजिक क्या है? केवल इसलिए कि जो फेल हो वो कोर्ट केस करेगा और तुम्हारी भर्ती रुकवाएगा, केवल इसलिए किया गया ये काम। 27,000 में 5,000 तो ऐसे होंगे ना जो ये सोचते होंगे कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था पर नहीं हुआ, वो कोर्ट जाएंगे, भर्ती रुकेगी तुम्हारी, केवल इसलिए किया गया है ये भर्ती रुकाने के लक्ष्य से। पता नहीं क्या लॉजिक है, क्यों बुलाएं 27,000 इतना मतलब आयोग किया है, ये हरकत हुई है वहां से, समझ में नहीं आ रहा मेरे आज तक। 9,000 मैक्सिमम 10,000 बुलाने थे, कट ऑफ इन दी एंड उतना ही जाएगा जितना मैंने पहले वीडियो में बोला था अपने चैनल के, कि जो 85+ हैं सक्सेस हो जाएं उनका हो जाएगा, 80 से 85 वाले दुविधा में रहेंगे और 80 से नीचे किसी का नहीं होना है। पर तुम लोग नहीं माने, जो चैनल ये बोल रहे थे कि इसका लॉजिक गलत है, ये मूर्ख है, इस पे सब्सक्राइबर नहीं है, उसका हाल सुन लिए तुम, केवल इसलिए था कि तुम्हें अच्छा फील हो। सब्सक्राइब करो, सुनो बात को, जो डाउट है कमेंट में पूछो, वरना आगे भी ऐसे ही रहोगे। 2018 का वीडियो का री एग्जाम हो रहा है इस साल, क्या चाहते हो? लेखपाल का भी री एग्जाम हो, बंदरोगा का भी री एग्जाम हो, ये सब होता रहे? कुछ तो खोपड़ी खोल के सोचा करो थोड़ी। जुड़ो टेलीग्राम पे, उत्कर्ष एजुकेशन नाम है, और यूट्यूब पे उत्कर्ष एजुकेशन चैनल है, ज्वाइन करो, समझो बात को, तुम्हारी भविष्य के लिए कह रहे हैं। सब्सक्राइबर देख के मत सुना करो किसी की, लॉजिक सुना करो, और लॉजिक इस तरह सुना करो कि क्यों होना है, अपने मन से नहीं बोलना होता।
वो लोग जो बोल रहे थे 80 प्लस जाएगा 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जब सबको गाली पड़ी, और जो लोग बोल रहे थे 70 प्लस जाएगा, 75 प्लस जाएगा फाइनल, अब वो कहाँ है? अब उनसे सवाल करोगे? उनसे तो कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो आयोग पे डाल देंगे। हमारे गलती नहीं, आयोग की गलती, आयोग घटिया, आयोग घटिया है। 27,000 लोग 75 प्लस हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो 8,000 लोग 80 प्लस हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो अगर 80 से कम है, तुम कोर्ट केस करो, कुछ भी करो, नहीं होना तुम्हारा। तानी क्या सोचते रहते हैं, टीचर को गाली दे दो, बस सपोर्ट नहीं करना है, गाली देनी है। फाइनल कट ऑफ अगेन 80 प्लस फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, 79-78 एससी और 70 प्लस एसटी, ये होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि कम से कम कितनी है टोटल, 1000 सीटें, 1064 सीटें जो हैं लड़कियों के लिए आरक्षित हैं, लड़के अलग लड़कियां अलग, वो आरक्षण भी लगेगा। तब क्या करोगे? सीटें इतनी नहीं हैं कि 75 नंबर आओ नौकरी लग जाए। पहले ही वीडियो में बोला था, जब कोई सब्सक्राइबर नहीं था, कुछ नहीं था, और मैं डरा भी नहीं कि सब्सक्राइबर आने के लिए झूठ बोल देता हूँ, 75 प्लस बोल देता हूँ, 70 प्लस बोल देता हूँ, क्योंकि बच्चों का बुरा नहीं चाहता मैं, अभी भी नहीं चाहता हूँ भाई। सब्सक्राइब करिए, पूछिए क्या डाउट है, आगे क्या करना है, तभी बताऊंगा मैं। आयोग की नौटंकी तो ये है, और इसका केवल एक उद्देश्य, भर्ती को लटकाना। पर आयोग भर्ती लटकाएगा कैसे, ये भी बता देता हूं। आयोग इनकी नियुक्ति पत्र 2 महीने के अंदर कर देगा। अब जो फेल होंगे, जो रह जाएंगे, वो कोर्ट केस करें, उनके कारण इनकी जो नौकरी लगेगी वो लटकेगी। आयोग बोल देगा हमने तुम्हारी नौकरी दे दी, क्योंकि 2024 में चुनाव है, बीजेपी सरकार मूर्ख नहीं है जो इतनी बड़ी भर्ती लटका दे। केवीएस का एग्जाम भी इसीलिए इस साल ही हुआ था कि 24 में चुनाव है, 24 तक इन सबको नियुक्ति पत्र देते हुए फोटो खिंचानी है, ताकि प्रचार कर सके कि हमने नौकरियां दी हैं। यही करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये खेल तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। कम से कम 100-150 लोग हैं इस तरह के जिन्हें मैं जानता हूं, मैं मान के चल रहा हूं उनमें से आधे फर्जी हैं, आधों के नंबर नहीं है, केवल कूद रहे हैं, लेकिन आधे सही भी हैं। उनमें से 1-2 के तो नंबर हमने जोड़े हैं भाई, खुद नंबर हैं उतने, पर फिर भी वो नॉट क्वालिफाइड हैं, उसके कारण पता नहीं है। लेकिन आयोग उसके बहाने क्या बताएगा, इस व्यक्ति ने ये चीज गलत भर दी थी, हल्के बिल पॉइंट से भरा था, क्योंकि इसकी जो ओएमआर सीट है अब वो उस स्थिति में तो है नहीं। तो अब अगर उसको चेक करने बैठोगे तो उसमें एक आध चीज हल्की हो गई होगी, अभी तक स्याही थोड़ी उड़ जाती है ओएमआर वाली, तो बोल देगा कि ये सही से नहीं भरा था, क्या करें, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसकी काट क्या है अगले वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सुने। इन लोगों को धरना नहीं देना है, अभी से हाथ जोड़ रहा हूं, कानून को हाथ मत लेना, धरना नहीं देना, लीगल प्रोसीडिंग का यूज करिए। कानून ने आपको अधिकार जो दे रखे हैं उनका इस्तेमाल करो, धरनेबाजी नारेबाजी से नहीं होगा। 8 महीना लग गया तुम लोगों को एक उज्ज्वला वाले प्रश्न को हल करने में, अभी इतना आदमी है, इतने लोग में भी काफी लोग हैं, सबके सबके कोर्ट केस चलेंगे, इनमें से कोई रिट वापस नहीं लेगा, कोई कोर्ट केस वापस नहीं लेगा, क्योंकि ये सीधा नौकरी पे बात आई है। तो क्या लगता है कितने साल चलने वाली है भर्ती इसकी? हर वीडियो, पहले ही वीडियो मैंने ये सब बोल रखा है, देख लेना जाके, पर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। इसको क्या पता, सब्सक्राइबर ही नहीं है। सब्सक्राइब करो भाई, अगले भी लेक्चर में यही होगा, वंद्रोह का भी री एग्जाम हो सकता है, क्या कर लोगे, तब क्या करोगे, समझ के बात खोला करो। एक नियम हमेशा याद रखना, मेरे फादर ने मुझसे यही बात कही थी, जब तक पहले मंथ की सैलरी हाथ में ना आ जाए तब तक आपकी नौकरी नहीं लगी है, पढ़ना बंद मत करिएगा। मेरे फादर ने मुझसे यही बोला था, मैं आज तक उस बात को भूला नहीं हूँ, आप भी मत भूलिए, पढ़ना बंद मत करना, कोर्ट केस वोट केस ठीक है, लेकिन पढ़ाई बंद मत करना। आयोग ने यह किया है केवल इसलिए कि भर्ती लटकाई जा सके। 27,000 को बुलाने का क्या लॉजिक है, कोई एग्जाम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अगली बात,
वरीता वाली बात कर दी मैंने, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, 80 प्लस वाली भी बात सही है। ये दो चीज़ें हो चुकी, डीवी स्किप करने से आपकी नौकरी लग जाएगी, ये बात हो गई। 80 प्लस मिनिमम, 85 प्लस दिस बिल्कुल सही, कोर्ट केस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, डीवी स्किप करने से नौकरी लग जाएगी। अपने आप से पूछो इस बात को कि मैं डीवी स्किप कर देता हूं, मैं नहीं जाऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपकी नियुक्ति मिल हो जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके पास पैसे आने लगेंगे। कौन सी मूर्ख बात है ये, मुझे भर्ती पसंद नहीं है तो मैं भर्ती का हिस्सा नहीं बनूंगा, उससे मेरी भर्ती हो जाएगी, ये कौन सा लॉजिक है। जाइए डीवी करवाने जो जो क्वालिफाइड हैं, मूर्ख कहीं के। समान नंबर होने पे वरीयता मैंने बताई दी है, आर्मी, एनसीसी, बूढ़ा, नाम, ये यार 8 महीने से चिल्ला रहा हूं, कोई सपोर्ट नहीं, यूट्यूब पे केवल गालियां मिल रही हैं, सब्सक्राइब करने को मांग रहा हूं क्योंकि शिक्षक भर्ती भी पढ़ा रहा था और अब जीएस भी शुरू करूंगा, पर तुम लोग सब कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई पढ़ेगा नहीं क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। मन की बात कहाँ कर रहे हैं उत्कर्ष सर हमारे, मन की बात करने वाला मास्टर चाहिए, कौरव हो तुम लोग जो मन की बात करने वाला टीचर मिले, कि पांडव हो कि जो गुरु बोले उसको समझो, उससे सीखो ताकि महान बन सको, क्या हो तुम इनमें से, चुनो अपने आप को, पूछो अपने आप से, गधे कहीं के। क्या लेखपाल भर्ती, तुम लोग अब तक एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते थे, कई गधों ने वन दरोगा की प्रिपरेशन अच्छे से इसीलिए नहीं की क्योंकि उनके टीचरों ने बोल दिया था कि 75 प्लस नंबर है सिलेक्शन हो जाएगा, 100 ऊपर के बस हो गया ना जीवन खराब, अब उनकी खोपड़ी तोड़ोगे जो बोले थे, और हमसे माफी मांगोगे जो हम बोल रहे थे कि अगर 80 से कम है तो मान के चलो कि नहीं होगा, इस मोड में रहोगे नहीं होगा, पढ़ाई पे ध्यान दो, पर नहीं सुननी है। हमारे माम आपके मन की कहां बात कर रहे थे, अध्यापकों की नौटंकी जानते हो क्या है, ये तो हो गया ना, आयोग का बता दिया ना, 27,000 का खेल क्या है, केवल कोर्ट केस में भर्ती को लटकाना क्योंकि पैसा है नहीं इतने लोगों को नौकरी देने का 30 साल के लिए, पैसा उसके लिए पैसा चाहिए होता है ना, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट इतना अच्छा चल नहीं रहा है, अध्यापकों की नौटंकी सिंपल है। एक बात बताओ, 80 प्लस वाले 85 प्लस वाले लोग ज्यादा हैं या 70 प्लस वाले लोग ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा हैं, इनमें ये भी ऐड हैं, तो इन सभी लड़कों को अपने चैनल से कैसे जोड़ा जाए, इन सभी लड़कों को अपने कोर्सेस कैसे बेचे जाए। इसी के लिए जब एग्जाम की प्रिपरेशन करवानी थी तब भी इन टीचरों ने जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, 2-2 लाख 10-10 लाख सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि 70 प्लस लाने हैं बस बेटा, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ इतने तो मैं ले आऊँगा, तुम जुड़ गए चैनल से, उनका उनको पैसा दे दिए, वो तुमसे पैसा ले लिए। उसके बाद जब एग्जाम हो गया, रिजल्ट आया, तब भी उन्होंने यही कहा ताकि अगले टेस्ट का कोर्स बेच सकें। ये अध्यापकों ने किया है, हर अध्यापक, लेट मी बी वेरी क्लियर, हर अध्यापक जानता था 80 से नीचे किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, पर कोई नहीं बोला, मतलब ही नहीं है उनको, तुम्हारे पैसे से मतलब था कोर्स खरीदने के, वो उन्होंने ले लिया, अब वो तुम्हें चूतिया बना रहे थे, तुम बनते रहे। अध्यापकों की नौटंकी ये है, तुम उनसे जुड़ गए, तुमने कहा यस ये टीचर मेरे मन की बात कर रहा है, यही तो मेरी बात सुन रहा है, बाकी सब तो डरा रहे हैं, उत्कर्ष सर तो डरा रहे हैं। डरना और सच्चाई, डराना और सच्चाई बताने में तुम लोग अंतर नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम्हें टीचर्स की जरूरत है, और जब कोई टीचर तुम्हें यह सिखाए तो चुपचाप सीखो, और सीखना हो तो जुड़ो टेलीग्राम से, सब्सक्राइब करो यूट्यूब को, वरना ऐसे ही मूर्ख बनते रहोगे जो जो 1-1 लाख 2-2 लाख वाले सब्सक्राइबर हैं, पागल हो जाओगे उन लोग चक्कर में, उनका जीवन चल रहा है, वो करोड़ों में खेल रहे हैं, तुम 35,000-30,000 की नौकरी के लिए मर रहे हो, उनको तुमसे कोई फर्क नहीं है, अपने दिल में वो तुम्हारी इज्जत भी नहीं करते हैं, कैसे समझाऊं तुम लोगों को। प्लीज पहचानो किस टीचर की जरूरत है, पहचानो कौन सा टीचर सही है, वरना पागल हो जाओगे।
अध्यापकों की बात इतने आराम से मत सुना करो। ये कोई गर्व करने की बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि बच्चे खत्म हो गए कई सारे, पता है। गली का लड़का एक है यार, तुमको कैसे बताऊं, वो रोते हुए आया है सुबह कि सब क्या करें। अब मैं वो ये थोड़ी बोलूंगा, देख कहा था ना मेरी बात सही थी, कितना बुरा लगेगा उसको, और मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं। गधे कहीं के, केवल तुम लोगों को चूतिया बनाने के लिए, केवल तुम लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए लोगों ने बोला कि कट ऑफ कम जाएगी, तुम लोग फंस गए, अब भोगोगे तुम लोग। 70+ के लिए, 75+ के लिए बोल दिया कि इतना जाएगा, तो तुम इतने के लिए पढ़े, तुम्हारे इतने ही आए, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इतना ही जाएगा, तुमने कहा ओके काम हो गया है, बंदर होगा कि पढ़ाई नहीं करते हैं, वीडियो री एग्जाम की पढ़ाई नहीं करते हैं, बस चिलो के सो रहे हो। अब जून में है शायद वीडियो का, पढ़ लोगे इतनी देर में, बंदरोगा का ऑलरेडी हो चुका है, अब क्या करोगे? अब तुम पैट की तैयारी करोगे 2023 के, तो उसके लिए भी तुम उन्हीं मूर्खों के पास जाओगे जिन्होंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। अब तुम उसके लिए मेरे पास तो जुड़ोगे नहीं, जबकि मैं बोल रहा हूं कि हम पैट पढ़ाते हैं। पैट की स्ट्रेटजी पिछली साल जो बताई थी ना, 12 लोगों ने फॉलो की, केवल 12 लोग थे, सबका सिलेक्शन हो गया अच्छे से, 75+ सबके आए हैं। पैट के लिए जुड़ो, शिक्षक भर्ती के लिए जुड़ो, GS सब पढ़ा रहा हूं। अब भी नहीं समझोगे तो ऐसे ही पागल बने रहोगे तुम लोग। तुम लोगों को वो नेता चाहिए होता है जो तुम्हारे मन की बात अच्छे से बोल दे, खुशी खुशी, जिससे तुम अच्छा फील करो। तुम्हारी नौकरी लगे नहीं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। यही पॉलिटिक्स में तुम करते हो, यही एजुकेशन में जो टीचर लीडर है तुम्हारे उनमें भी यही कर रहे हो। कोई तुम्हारा सगा नहीं है सिवाय तुम्हारे माँ बाप के, और जब तुम्हारा रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड हुआ होगा तो वो भी गरियाने लगे होंगे। तुम इस स्थिति में हो, और अब बताओ ये लोग टीचर क्या करेंगे? अगेन कहेंगे उत्कर्ष डरा रहे हैं, इनकी मत सुनो, और तुम फिर इनके झांसे में फंसोगे। पढ़ना शुरू कर दो, 6 घंटे ज़रूर पढ़ो, बाकी टाइम तुम्हें कोर्ट केस करना है कोर्ट केस करो, गाली देनी है मुझे गाली दो, पर 6 घंटे पढ़ाई बंद मत करना, ख़त्म हो जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। अध्यापकों मूर्खों की बात सुननी है केवल, क्यों? क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं। उत्कर्ष सर के सब्सक्राइबर तो थे नहीं जब वो वीडियो बनाए, मैंने केवल 2 वीडियो बनाए लेखपाल पे, क्योंकि उनकी आवश्यकता लगी मुझे। कई बेवकूफ है ना, लेखपाल डेली न्यूज का धंधा चला रहे थे, हर महीने 2-3 लेखपाल की वीडियो आ जाएंगे, दूसरे टीचरों को गाली दे रहे हैं, उससे सिलेक्शन हो गया बच्चों का, कुछ नहीं हुआ, अब रो रहे हैं सबके सब। तो अब क्या कह रहे हैं, आयोग की गलती है, कोर्ट केस करेंगे। कोर्ट केस का पैसा कौन देगा? वो हम नहीं मांगेंगे, वो तुम खुद समझो। हम सपोर्ट करेंगे, ट्विटर कैंपेन चला देंगे हम तुम्हारे लिए। उन्हें तुम्हारी गरीबी का कोई आइडिया नहीं है, मुझे है, मैं फिर बोल रहा हूं, फॉलो मी, घमंड के साथ। जिसने आज तक फॉलो किया उसको कभी कष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की प्लानिंग करता हूं हमेशा, बेस्ट केस सिनेरियो की नहीं करता हूं, वर्स्ट केस, सब कुछ गलत हो तब क्या करना है, उस मोड में काम करना पड़ता है जिंदगी में। 2 साल फैक्ट्री में अच्छे से बढ़िया सुपरवाइजर की नौकरी में मुझे मेरे बॉस ने सिर्फ यही सिखाया है कि उत्कर्ष हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को लेकर प्लान करना, क्योंकि जिस दिन वो हो गया उस दिन तुम खत्म हो जाओगे अगर ऐसा नहीं किया तो। तुम में से किसी ने वर्स्ट केस की प्लानिंग नहीं की। 70+ 75+ पे नौकरी बेस्ट केस सिनेरियो था, जो मैंने बोल दिया था असंभव है, पर मेरी नहीं सुननी है। हम तो गधे हैं, हम तो यूट्यूब पे नए नए हैं, डरा रहे हैं बच्चों को, FIR की धमकियां मिल रही हैं, जीवन खत्म कर दिया बच्चों का। तुम्हारी नौटंकी यही है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और अंत में मेरी ही बात सही हुई। जिंदगी में आज तक मैं कभी गलत साबित नहीं हुआ हूँ, और मुझे हर बार इस बात का दुख होता है। तुमको आइडिया नहीं है कि कितनी क्राइसिस मैंने प्रिडिक्ट की, वो सारी हुई, मैं कुछ कर नहीं पाया। पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, 2023 में इस लेखपाली का नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। इनके जिनकी दिक्कत है, या ये लोग जो बाहर निकाले जाएंगे, कोर्ट केस करिए, लड़िए कोर्ट में, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। धरनेबाजी से कुछ नहीं होगा, कानून का प्रयोग करिए, केवल और केवल कानून का प्रयोग।
किसी को भड़काना नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है। अगर आपको दिक्कत है आप कोर्ट केस करिए जाके, बस कुछ नहीं करना है। ट्विटर कैंपेन कुछ नहीं, कोर्ट केस करना है तो करो, नहीं तो अगले एग्जाम में लगो। हारने का फील आएगा कि अरे यार ऐसा, पर अगर वो इससे अगर ऐसे डरते रहोगे ना तो अगली भर्ती में भी ये हो सकता है, तब क्या करोगे। लेट्स इमेजिन कि सितंबर में लेखपाल की दोबारा भर्ती आए, उसमें भी सेम चीज हो अगली साल, तब क्या करोगे। मैंने फिर बोला है जिंदगी के दो तीन नियम अच्छे से पढ़ लो अपने कान में। जब तक पहली सैलरी हाथ में ना आ जाए पढ़ना बंद नहीं करना है। कुछ ऐसे टीचर्स अच्छे से अपने पास रखो जो कड़वी बात बोलते हों लेकिन लॉजिक के साथ बोलते हों, ताकि तुमसे झूठ ना बोला जाए। कौरव लोग इसीलिए बर्बाद हो गए थे क्योंकि उन्हें मारा नहीं गया बचपन में कि तुम गलत काम मत करो, गलत काम मत करो, चढ़ाया गया उनको और कुरुक्षेत्र भोगना पड़ा था भारत को। पढ़ना बंद मत करिए, सबसे बोरिंग एडवाइस है, मन नहीं मानेगा। कैसे पढ़ाई करें यार, अभी तो पढ़े थे। तो क्या करोगे फिर, खेती फिर करो जाके। नौकरी चाहिए है तो नौकरी के लिए जो जो जंग लड़नी पड़ती है वो लड़नी पड़ेगी। प्लीज़, पिछली बार भी ऐसे ही हाथ जोड़े थे कि मुझे गाली मत दो, मेरा लॉजिक बिल्कुल सही है, सीटें जिस हिसाब से बटी हुई हैं, अभी मैंने लिखी हुई हैं सीटें, पता है सीटें लिखी हुई हैं मैंने, पिछली बार का ही है ये, नया नहीं लिखा है। अनरिजर्व्ड टोटल सीटें 3,271 बच्चों की, और जो उसमें लड़के हैं 2,621 सीटें उनकी, जिसमें भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, पीडब्ल्यूडी हटा दो तो 2,500 सीटें बचती हैं अनरिजर्व्ड लड़कों की, 75 प्लस में, लेकिन नौकरी लग रही थी इन सबकी। क्या उनसे लॉजिक से लग रही थी भाई, धांधली नहीं होती तब भी नहीं लगती, और धांधली हो गई है तो अब कोर्ट केस चलेगा तो नहीं लगेगी, भर्ती कैंसिल होने के चांस हो गए हैं भाई। री एग्जाम वाली नौटंकी हो रही है, किससे किसका फायदा है री एग्जाम से, तुम्हारा। री एग्जाम में फिर से यही नौटंकी हो तब क्या करोगे। लेकिन ये डराने वाली बातें हैं, इसको देख के प्लानिंग नहीं करनी है हमको, हमको इससे बोलना ये अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ ये हटाओ। ये वीडियो देखते हैं, ये सब्सक्राइबर इसके कितने हैं, 20,000, यस ये जानता है, इसकी लाइटिंग अच्छी है, इसकी लाइटिंग अच्छी है, इसके सब्सक्राइबर बढ़िया हैं, क्या बोल रहा है ये कि ये मेरे लिए लड़ेगा। अच्छा, एक कोर्ट केस से यूं नौकरी। असली दुनिया में या तो तुम लोग रहते नहीं हो, पिछले मतलब 20-25 साल के तो हो ही गए होगे ना, देख नहीं रहे हो आसपास दुनिया कैसे चलती, क्या हो रहा है। पढ़ना बंद मत करो प्रभु, विभिन्न प्रकार के टेस्ट देना बंद मत करो प्रभु, उसके लिए 2-3 अच्छे सोर्स रखो टीचरों के। मैं हूँ, चितेश सर हैं 30 मिनट GS के, एक दो और हैं, फॉलो करो इनको, या जो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, मुझे अड्डा 24/7 ही ठीक लगता है। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती, अपना भविष्य बर्बाद मत करो गधों का। देखो, अगर जब अंगराज कर्ण ने कृष्ण से कहा था कि दुर्योधन को ही राजा बनना चाहिए, तब कृष्ण ने अंगराज कर्ण से बोला था कि हाथी के ऊपर जो कुत्ता बैठता है ना, वो अपने बल पे नहीं भौंकता, हाथी के बल पे भौंकता है। तो गलती उस हाथी की है, उसने कुत्ते को अपने ऊपर बैठा रखा है। किसी टीचर को कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें हाथी नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग नहीं हो, हम सब इंसान हैं, लेकिन मूर्खों को अपना नेता मत बनाओ। अपने दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या ऐसा करने से मेरी नौकरी जल्दी से जल्दी लगेगी, बस। प्लीज़ अब तो सपोर्ट करो, अब तो जानो कि तुम्हारे भले के लिए चीख रहा था मैं, तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं किया, सिर्फ 2 वीडियो बनाए अब तक, ये तीसरा है लेखपाल का, एक पूरा होने जा रहा है ना, 9 महीने, हर महीने नहीं आया वीडियो, ताकि तुम लोगों को डरा के रख सकूं। बोल दिया था कि वीडियो के लिए लगो, क्षितिज पांडे भी यही चीख रहा है इतनी देर से कि बंदरोगा के लिए पढ़ो, वीडियो के लिए पढ़ो, भूल जाओ लेखपाल को, आगे के एग्जाम्स को देखो, ये होना होगा तो हो जाएगा, और जिसको कोर्ट केस करना है वो करेगा, तुम लोग सपोर्ट करना हो, करना, ना करना हो, ना करना, वो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है, मैं इंडोर्स ही नहीं करता इस चीज़ को। नंबर ही इतने लाओ कि ज़रूरत ना पड़े, और उसके लिए तुम्हारे पास फ्री में साधन भी थे, पढ़ने की व्यवस्था भी थी और टीचर भी थे, तुम नहीं पढ़े। पढ़ लो भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, अच्छे टीचर्स को फॉलो करना सीखो।
जो गलत गुरु को फॉलो करता है वो अच्छा शिष्य नहीं बन सकता, वो कुछ नहीं कर पाएगा। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को फॉलो किया था, मुद्रा राक्षस समात प्रमुख जो थे पाटलिपुत्र के, उनको नहीं। सोच समझ के करना काम। आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, पर मुझे इसका मज़ा नहीं आता कतई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, डाउट पूछो और पढ़ाई में लगो कि अगले टेस्ट की व्यवस्था करनी। अगर मूव ऑन नहीं कर पाए ना, ख़त्म हो जाओगे, ज़िंदगी वर्ष डर में रहोगे कि अब क्या ही कर सकते हैं यार, इस तरह से ज़िंदगी नहीं जी जाती। अभी तो तुम लोगों ने कोई कष्ट नहीं झेला है, परिवार के झगड़े, बच्चों की समस्या, कुछ नहीं झेल रहे हो तब तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है, तो जब ये सब होगा तो कैसे झेलोगे। मैच्योर होने की निशानी यही है, मैच्योर बनना हो, दिमाग से खोल के डिसीजन लेने हो तो जुड़ो मेरे साथ, पढ़ाई पे ध्यान दो। कोर्ट वोट केस करना है करो जाके, पर धरनेबाजी, नारेबाजी, गाली गलौज, किसी का अपमान मत करना, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।